हेलो बच्चों, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, आपको मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके यहां पर कुछ हेडिंग्स दी हुई है। तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, तो इसमें देखिए आपको बहुत सारी हेडिंग्स जो है दी हुई है, जैसे फूड वैरायटी हो गया, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज हो गया। तो जो आपकी बुक के अंदर जो हेडिंग्स दी हुई है, तो मैं यहाँ पर आपको बुक से नहीं रीडिंग करवाऊंगा। मैंने यहाँ पर हेडिंग्स लिखी हुई है, जितना भी आपके बुक के अंदर पैराग्राफ दिए हुए हैं उनको मैंने यहाँ हेडिंग के रूप में लिख लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक एक जो है हमारे पास टॉपिक आ रहा है उसको जो है एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, मतलब इस चैप्टर का क्रक्स मैं आपको निकाल के दूंगा, ठीक है। और जैसे ही आपको इनके बारे में अगर पता लग गया, तो आप इस चैप्टर को जो है इसको समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बिल्कुल आसान से आसान वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके अंदर जो है इसको, इस चैप्टर के प्रति जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो, है ना, आपको पढ़ने में मजा आए। दूसरा, इस चैप्टर को जैसे ही हम पढ़ लेंगे, मतलब जैसा मैं एक्सप्लेन कर लूंगा इस चैप्टर को पूरा का पूरा। अब यहाँ पर देखो, कुछ मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स भी आपकी बुक की, अगर आप देखोगे अपने जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें, अगर लास्ट में देखोगे तो कुछ वर्ड्स आपके दिए हुए हैं, कीवर्ड्स जिसको लिखा हुआ, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में जब हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हालांकि एक को मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, एक क्वेश्चन को, उसको हम यहाँ पर जो है लास्ट वीडियो के लास्ट में जो है उसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं था। तो चलिए आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब सबसे पहले हेडिंग हमारे पास क्या है, फूड। अब पहले फूड को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि फूड हम किसको कहते हैं, व्हाट इज फूड, तो आप क्या कहेंगे, सोच के देखिए फूड हम किसको कहते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमें क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है, उसको हम क्या कह लेते हैं, उसको हम फूड कह देते हैं। साथ में वो वाले मटेरियल जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, उनको हम क्या कह देते हैं, फूड कह देते हैं। अगर जनरल सी डेफिनेशन हम फूड की बोलें, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, प्लस कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमें एनर्जी सप्लाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फूड। हालांकि जो हमारे पास फूड होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए, और हमें सिर्फ एनर्जी इतना ही काम नहीं करता, और भी बहुत सारे काम होते हैं फूड के, लेकिन मैं आपको जनरली बता कर, मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में इतना भी कहेंगे तो चल पड़ेगा। मतलब फूड क्या है, फूड हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे हमको क्या मिलती है, जिनसे हमको एनर्जी मिलती है ना, जिनसे हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, प्लस वो मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए, मतलब हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही ना उसके लिए ज़रूरी है, उसको हम क्या क्या देते हैं, उसको हम कहते हैं फूड। अब यहाँ पर देखो, एक वर्ड आपके पास आ रहा है एनर्जी, है ना, एक वर्ड आपके पास क्या आ रहा है, एक वर्ड आपके पास आ रहा है एनर्जी। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमको एनर्जी देता है। अब एनर्जी हम किसको कहते हैं, आपने बहुत जगह ये नाम सुना होगा कि यू एनर्जी एनर्जी, है ना। सो एनर्जी भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। यहाँ पर मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बहुत ही मतलब सिंपल से सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब सिंपल से सिंपल तरीके में जो है इसका अर्थ क्या हो सकता है। सो एनर्जी हमारे पास क्या है, जो काम करने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका काम करने की जो पावर है, मतलब कितना काम हो सकता है, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनर्जी, है ना, उसको हम कहते हैं एनर्जी। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, हमारे इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो रहा हो, बिना एनर्जी के नहीं हो सकता। आप कोई भी काम देख लो बिना एनर्जी के नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मशीन चल रही है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। मशीन एनर्जी के लिए क्या कंज्यूम करेगा, अब आपने देखा होगा उसके अंदर ऑयल का यूज़ भी हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो जो ऑयल या इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या है, ये उस मशीन के लिए एनर्जी का सोर्स है, या हम ये कह सकते हैं कि ये उस मशीन का फूड है, ठीक है। चाहे लिविंग चीज़ें हो, चाहे नॉन लिविंग चीज़ें हो, जहाँ पर भी काम हो रहा है वहाँ पर जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जैसे ह्यूमन की अगर आप बात करें, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उनको भी देखो, उनको भी हम भी देखो कितने सारे काम करते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, इवन यहाँ पर सांस जब हम ले रहे हैं वो भी तो एक काम है। हमारा जो हार्ट है वो धड़क रहा है,
ठीक है, हमारा हार्ट धड़क रहा है ये भी क्या है, ये भी एक काम है, हम सांस ले रहे हैं ये भी क्या है, एक काम है, हम चल रहे हैं ये भी क्या है, एक काम है। तो हमारी बॉडी के अंदर है ना बहुत सारे जो है काम होते रहते हैं और हम भी जो है बहुत सारे काम करते रहते हैं। तो मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड के अंदर कोई भी काम जो है बिना एनर्जी के नहीं हो सकता। तो जो हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास मशीन्स हो गया, गाड़ियाँ हो गई, गाड़ी भी काम कर रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो भी काम कर रही है ना, तो उसको जो है एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऑयल से मिलती है। तो हमें जो है जो ह्यूमन बीइंग है, जैसे एनिमल्स हो गया, ठीक है, तो उनको जो है एनर्जी कहाँ से मिलेगी, है ना, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो उनको एनर्जी मिलती है फूड से, है ना, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उनको एनर्जी मिलेगी फूड से। तो आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा कि फूड क्या है। अभी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें फर्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है फूड वैरायटी, है ना, ये फूड मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको पहले पता चल जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो अब आपको पता लग गया कि फूड क्या है। क्या याद रखना आपने, दो चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी, फूड क्या होंगे, फर्स्ट वो वाले मटेरियल जो हमको एनर्जी देंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे फूड, है ना, दूसरा वो वाले मटेरियल जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है उसको हम क्या कहेंगे, फूड। ये दो चीजें जो है फूड के अंदर जो है हम जरूर इंक्लूड करेंगे। हालांकि मैं आपको कह रहा हूँ कि फूड के और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं आपको जनरल डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, इतना अभी आप याद रखोगे तो काफी है, है ना। सेकंड हम देखते, देखो फूड वैरायटी, फूड वैरायटी, अब आ गए हम आपकी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसका फर्स्ट टॉपिक आपके पास दिया हुआ है फूड वैरायटी, ठीक है, यहाँ पर देखो फूड वैरायटी। अब यहाँ पर देखो हमारा जो फूड होता है उसमें देखो कितनी सारी वैरायटी होती है, हमारा जो फूड होता है उसमें कितनी सारी वैरायटी होती है, वैरायटी का मतलब विविधता, ठीक है, मतलब अलग अलग फूड। अब देखो जैसे हम अगर अपनी ही बात करें, अगर आप अपनी बात करो तो क्या आप एक ही टाइप का फूड खाते हो, क्या आप एक ही टाइप का जो है फूड कंज्यूम करते हो, तो यही करते, हमारे पास जो है फूड की वैरायटी है, अलग अलग टाइप का फूड हम खाते हैं। आज अगर हमने दाल खाई तो कल हम सब्जी खाएंगे, है ना, हम रोटी खाते हैं साथ में हम चावल खाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग हमारे पास जो है फूड की वैरायटीज है, अलग अलग वैरायटीज। अब ऐसा नहीं जैसे मान लो कि हम कोई एक ही टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं, हमारे पास उसके अंदर वैरायटी है, मतलब विविधता है, अलग अलग टाइप के कुछ फूड हमें एनिमल से मिलेंगे, कुछ फूड हमें प्लांट से मिलेंगे, है ना, और उन जो अलग अलग जो फूड होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उनके काम भी अलग अलग होते हैं। जो आप सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे इसमें, हालांकि आपको फूड के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन दी हुई है, तो आप जो आपका सेकेंड चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम सिर्फ जनरल इसकी देख रहे हैं कि इसके फूड के अंदर क्या होती है, वैरायटी होती है, फूड जो है हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस बुक में भी आपको ऐसा ही कहा गया है कि इसी तरह से। दूसरा देखिए इसके अंदर जो आपके पास फर्स्ट जो आपके पास दिया है फूड वैरायटी, जो आपका एनसीईआरटी की बुक में जो दिया है फूड वैरायटी, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर बताने लायक क्या क्या है, ये तो आपको पता है कि फूड के अंदर वैरायटी होगी। दूसरा इसमें एक वर्ड यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको आप नोट कर दीजिए, इनग्रीडियंट्स, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनग्रीडियंट्स, ठीक है, इसको इनग्रीडियंट्स। अब ये इनग्रीडियंट्स क्या होता है इसको आपने ध्यान से देखना है, इनग्रीडियंट्स हम किसको कहते हैं, ठीक है, तो इनग्रीडियंट वो वाली चीजें होती है हमारे पास जिससे कि एक पर्टिकुलर डिश हमारे पास बनती है, ठीक है। अब मान लो आप कुछ भी बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, जैसे आप परांठा बना रहे हो मान लो, ठीक है, तो परांठे के अंदर इनग्रीडियंट क्या क्या होते हैं, इनग्रीडियंट का मतलब सारे के सारे मटेरियल जिनसे मिलकर वो डिश बनी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनग्रीडियंट्स, ठीक है। आपको ये फर्स्ट पेज के ऊपर ही आपको ये मिल जाएगा, ये वर्ड डार्क कलर में दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब वो वाला, इंग्रेडिएंट्स मतलब किसी भी स्पीशीज के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। मतलब कोई भी डिश जिसके अंदर, उस डिश के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको हम क्या कह देते हैं, इंग्रेडिएंट्स। जैसे मान लो हम परांठा बनाए, तो परांठे के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, सबसे पहला जो आटा है वो भी एक इंग्रेडिएंट है, दूसरा हमें वाटर भी चाहिए तो वाटर भी क्या है, इंग्रेडिएंट है, ऑयल भी चाहिए हमको तो ऑयल भी क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। अब उसमें आप पोटैटो डाल रहे हो या कुछ भी डाल रहे हो उसके अंदर जिसका आपको परांठा बनाना है, तो वो भी क्या है, इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। जैसे मान लो आप दाल बना रहे हो, तो दाल के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, जैसे दाल, एक तो दाल जो आप जिसकी आप दाल बना रहे हो वो इंग्रेडिएंट्स है, उसके बाद जितना भी सामान आप तड़के के अंदर डाल रहे हो वो भी क्या है, इंग्रेडिएंट्स है, वाटर है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो कुछ भी किसी डिश के अंदर डाला हुआ है हमने वो सारे के सारे क्या है, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम क्या देते हैं, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। आई होप कि आपको इंग्रेडिएंट्स का पता लग गया होगा, ठीक है। तो सेकंड हम चलते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर आपको देखो फूड भी आपको पता लग गया, फूड वैरायटी भी आपको पता लग गया, है ना, फूड वैरायटी भी आपको पता लग गया। सेकंड हम चलते हैं, देखो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, यहाँ पर देखिए फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब यहाँ पर देखो
हमको पता लग गया कि फूड हम किसको कहते हैं, ठीक है। अब ये बात आती है कि फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, जो फूड मटेरियल्स है हमारे पास और उनके सोर्सेस क्या है। अब फूड मटेरियल के बारे में तो आपको पता है, ठीक है, हम सभी को फूड मटेरियल्स के बारे में पता है कि कौन कौन फूड है, किसको हम फूड मानते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग हो गया, देखो जो दूसरे हमारे पास हो गए, आटा हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, वो सारा का सारा क्या है, वो सारे के सारे फूड मटेरियल है, ठीक है, इसको बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। साथ में अब यहाँ पर देखो एंड सोर्सेस, अब जो फूड मटेरियल है उनके सोर्स भी अलग अलग है। क्या आपको जो फूड है आपका, क्या उसका सोर्स एक ही है, क्या उसका सोर्स एक ही है, नहीं है उसका सोर्स अलग, नहीं है उसका सोर्स एक जैसा, उसके सोर्स जो है अलग अलग होते हैं। जैसे हम है, हम क्या करते हैं, हम चावल भी खाते हैं, हम जो है जो गेहूं है उसको भी खाते हैं, हम मीट को भी कंज्यूम करते हैं, हम सब्जियों को भी कंज्यूम करते हैं, हम दालों को भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो वो जो है अलग अलग, उसके सोर्स कैसे होते हैं, अलग अलग उसके सोर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो अलग अलग टाइप के हम प्लांट देखते हैं, जैसे आप अगर हम देखें जैसे एप्पल हो गया, जैसे अगर आप एक कंप्लीट प्लांट की अगर बात करें, कंप्लीट प्लांट की अगर आप बात करें, तो मान लो एप्पल है, एप्पल का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, एप्पल का हम फ्रूट खाते हैं, ठीक है, एप्पल का क्या खाएंगे, हम फ्रूट खाएंगे। उसी तरह से जो हमारे पास गेहूं या चावल हमारे पास होता है, मतलब व्हीट या मेज जो हमारे पास होता है, उसका हम क्या खाते हैं, उसके हम सीड्स खाते हैं, ठीक है। तो सोर्स जो है अलग अलग है फूड के, ठीक है, सारे के सारे हमारे पास जो सोर्स होंगे फूड के वो कैसे है, हमारे पास अलग अलग है, जितने भी हमारे पास फूड है वो अलग अलग जगह से हमारे पास आता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास देखिए क्या है, नंबर फोर्थ पोजिशन पर देखिए क्या है हमारे पास, नंबर फोर्थ पोजिशन पर प्लांट पार्ट्स एंड प्लांट, यहाँ पर आपको इसको आपने ठीक करना है, इसको आपने ठीक करना है, यहां पर प्लांट प्रोडक्ट्स होगा, प्लांट प्रोडक्ट्स इसको आप ठीक कर दीजिएगा, प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, ये जो दो आपको हेडिंग्स दी हुई है, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज और दूसरा प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सारा का सारा आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हेडिंग्स दी हुई है बुक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, अब ये वाली हेडिंग और ये वाली हेडिंग, मतलब जो पैराग्राफ दिए हैं, ये दोनों पैराग्राफ मिलते जुलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास फूड होता है, क्या वो हमारे पास एक ही जगह से आता है, क्या हमारा फूड एक तरह का होता है, नहीं होता, वो जो है अलग अलग जगह से हमारे पास आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो दो टाइप का होता है, ठीक है। जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, मतलब जो फूड हम खाते हैं, वो दो तरीके का हो सकता है। पहला, या तो वो एनिमल प्रोडक्ट होगा, मतलब किसी एनिमल से हमने उसको गेन किया होगा। दूसरा, या तो वो कोई प्लांट प्रोडक्ट होगा, मतलब प्लांट से हमने उसको गेन किया होगा। तो हमारे पास आपको याद रखना है कि हमारे पास कितने टाइप के फूड होते हैं, हमारे पास टू टाइप के फूड होते हैं। पहला फूड हमारा एनिमल प्रोडक्ट होता है और दूसरा फूड हमारा प्लांट प्रोडक्ट होता है। जैसे देखिए आप गेहूं खा रहे हैं, मतलब आप आटा, मतलब आप जो रोटी होती है आटे से बनी, आप उसको खाते हो, आप चावल को खाते हो, आप दाल को खाते हो, आप फ्रूट्स को खाते हो, ये सारे के सारे आपको कहाँ से मिल रहे हैं, क्या किसी एनिमल से मिल रहे हैं आपको, ये नहीं मिल रहे हैं। ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें, ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये हमें जो है प्लांट से मिल रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, प्लांट्स प्रोडक्ट्स, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, प्लांट्स प्रोडक्ट, मतलब वो सारी की सारी चीजें जो हमको प्लांट से मिलती है उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट्स। जो कुछ भी चीज हमें प्लांट से मिलेगी वो क्या है, वो प्लांट प्रोडक्ट्स है ना। तो हमारा फूड दो टाइप का होगा, एक तो प्लांट प्रोडक्ट, दूसरा एनिमल प्रोडक्ट। अब ये एनिमल प्रोडक्ट क्या है, अब देखो एनिमल से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे मीट हो गया, मीट हमें कहां से मिलता है, क्या जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनसे मीट मिलता है, नहीं मिलता, कहाँ से मिलेगा मीट, जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमको मीट मिलेगा। दूसरा, जो हमारे पास एग्स होते हैं तो हम किसके एग खाएंगे, क्या ह्यूमन बीइंग के एग खाएंगे, नहीं खाएंगे, क्या किसी एनिमल के एग खाएंगे, नहीं खाएंगे, हम किसके एग खाते हैं, सॉरी जो हमारे पास, ये थोड़ा सा मैंने गलत कह दिया, यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे पास एग है क्या आप प्लांट्स के एग खाओगे, एग के पास क्या प्लांट्स, एग के जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं क्या आप, क्या उनमें एग होते हैं, नहीं होते हो, उनके उनके तो एग ही नहीं होते, तो उनको वो हमें एग कैसे दे सकते हैं। जो हमारे पास एग होते हैं वो हमारे पास कैसे प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे पास जो है एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। अब जैसे देखो अलग अलग टाइप के हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनसे कि हमको क्या मिलता है, जो हमें एग प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें जो है एग्स देते हैं, मतलब एग्स को पहले प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, उनके बाद हम उनको कंज्यूम कर लेते हैं। तो जो एग है क्या वो एनिमल प्रोडक्ट है या वो प्लांट प्रोडक्ट है, एग जो है हमारे पास एनिमल प्रोडक्ट है ना।
दूसरा और क्या मिलता है हमें एनिमल से, जैसे देखो फर्स्ट हो गया मीट हो गया, सेकंड हो गया एग हो गया, थर्ड हो गया, जैसे थर्ड हम किसको कंसीडर कर सकते हैं, जो हमारे पास मिल्क होता है। देखिए मिल्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है प्रोटीन का, है ना। अब ये प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत आसानी के साथ जो है बहुत ही आसान वर्ड्स में मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, अभी आपने प्रोटीन पर ध्यान नहीं देना, आप बस इतना याद रख लो कि जो मिल्क होता है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो जो मिल्क है हमारे पास वो कौन किसका प्रोडक्ट है, क्या वो एनिमल प्रोडक्ट है, नहीं वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, वो कौन सा प्रोडक्ट है, सॉरी ये क्या वो प्लांट प्रोडक्ट है, जो मिल्क होता है हमारे पास क्या वो प्लांट प्रोडक्ट है, नहीं है प्लांट प्रोडक्ट, वो कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास, वो हमारे पास एनिमल प्रोडक्ट है, है ना, क्योंकि हम एनिमल का फूड जो हमारे पास मिल्क होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम कंज्यूम करते हैं। जैसे हमारे पास काऊ हो गया, हमारे पास बफेलोज हो गया, हमारे पास गॉड्स हो गया हमारे पास, ठीक है, हम उसका जो है मिल्क जो है कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गॉट भी क्या मिल्क देती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गॉट होती है वो भी मिल्क देती है, और जो हमारे पहाड़ी इलाके होते हैं, मतलब जो हमारे हिमालयन रीजन आते हैं, ठीक है, जो हमारे हिमालय वाले साइड वाले जो स्टेट्स आते हैं, वहां पर जो है गॉट के मिल्क को भी जो है कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। और ये गॉट का मिल्क जो है काफी हेल्थी भी होता है एज कम्पेयर टू काऊ के मिल्क से, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि प्लांट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं एंड एनिमल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्टर, ठीक है। अब नेक्टर हम किसको कहते हैं, ना व्हाट इज नेक्टर, इसको हम जो है जब हमारे पास प्लांट्स का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर आपको जो है आपकी NCERT की बुक में जो है प्लांट्स के ऊपर है, तो जब हम फ्लावर का डायग्राम देखेंगे तो वहां पर जो है हम इसको जो है अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जहां पर हम फ्लावर को भी पढ़ेंगे उसके बाद हम जो है इस नेक्टर को देखेंगे। यहां पर मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊंगा कि नेक्टर क्या होता है, ठीक है। आपने देखिए ऐसे फ्लावर देखा होगा, ये मान लीजिए आपका फ्लावर है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका फ्लावर है, इसको ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका फ्लावर है, ठीक है। इसको हम जो आपका फ्लावर का डिटेल डायग्राम है उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आपका जो है प्लांट वाला जो आपका चैप्टर आएगा, जब वो आएगा तो वहां पर हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो जो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास फ्लावर होता है कोई भी, जो फ्लावर का यहां पर जो ये बेस होता है, यहां पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक छोटी सी डिस्क यहां पर होती है जिसके अंदर की जूस होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, जूस होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं नेक्टर। तो आपको याद रखना है कि जो नेक्टर होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास फ्लावर होते हैं प्लांट्स के अंदर लगे हुए, तो उसके बेस पर एक छोटी सी डिस्क बनी हुई होती है जिसके अंदर जूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेक्टर, ठीक है। अब जैसे देखो आपने मधुमक्खी को देखा होगा या कोई दूसरे कीट पतंगे आपने देखे होंगे कि वो फूल पर जाते हैं, जो फ्लावर होते हैं हमारे वहां पर जाते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, ठीक है, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो फ्लावर के अंदर ऐसा क्या है जिसके जो उनको ऐसा अट्रैक्ट करता है, तो वो यही नेक्टर है। वो जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास मधुमक्खियां होती है या कोई दूसरे कीट पतंगे होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लावर के ऊपर बैठते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैठेंगे, फ्लावर के ऊपर बैठेंगे, और फ्लावर में बैठने के बाद यहाँ पर जो ये नेक्टर के अंदर जो जूस होता है उसको सक करते हैं, मतलब उसको चूसते हैं, ठीक है। तो वो नेक्टर के अंदर जो जूस है उसको चूसती है मधुमक्खियां, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मधुमक्खियां हैं फूलों के ऊपर क्यों आती है, क्या फूलों से उनका कोई लगाव है, नहीं, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इस फ्लावर के पास नेक्टर होता है, नेक्टर में जूस होता है, तो उस जूस के लिए वो मधुमक्खियां इसके ऊपर बैठती है और इस नेक्टर से जो है जूस को सक करती है ना। तो ये देखो हमारा ये भी हो गया एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, नेक्टर भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। अब देखो प्लांट्स की बात अभी नहीं कर रहे हम, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ओनली एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, जैसे हम भी एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं, ह्यूमन बींग भी क्या है, ह्यूमन बींग भी एनिमल ही है, तो हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं, हम मीट भी कंज्यूम करते हैं, हालांकि मैं मीट कंज्यूम नहीं करता, लेकिन अगर दूसरे ह्यूमन की बात करें अगर, तो मीट भी कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल्स को भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करते हैं एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करते हैं। तो हमारे पास जो एनिमल है, एनिमल क्या क्या ईट करते हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट को भी ईट करते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स को भी जो है कंज्यूम करते हैं। जैसे हम ह्यूमन की बात, जैसे अपनी अगर बात करें आप, तो आप क्या करते हो, आप एग को भी कंज्यूम करते हो, आप मिल्क को भी कंज्यूम करते हो, आप वेजिटेबल्स को भी कंज्यूम करते हो, आप रोटी को भी कंज्यूम करते हो, ठीक है।
तो जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि किसी एक टाइप के प्रोडक्ट को खाते हैं, वो हर टाइप के प्रोडक्ट को जो है खाते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई अगर वेजिटेरियन है, कोई ऐसा कहता है कि वो जो है वेजिटेरियन है, वह चीज़ें नहीं खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उसका मतलब ये नहीं कि वो एनिमल प्रोडक्ट खाता नहीं है। जो हमारे पास वेजिटेरियन लोग होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आदमी मीट नहीं खाता तो वो दूध तो पीता ही होगा, है ना, तो वो दूध तो पीता ही नहीं होता होगा। अगर मान लीजिए दूध भी नहीं पीता, वो घी तो खाता ही होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फूड होता है वो एनिमल प्रोडक्ट भी होता है उसमें, और उसके अंदर जो है प्लांट प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है, बोलने की बात ये है। नेक्स्ट हम आते देखो, हर्बीबोरस, कार्निबोरस एंड ओमनीबोरस, यहाँ पर आपने ध्यान देना है, यहाँ पर आपने ध्यान देना है, ठीक हो। यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास ह्यूमन होते हैं, जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, वो जो है अलग अलग टाइप के फूड को कंज्यूम करते हैं। एनिमल के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको भी कंज्यूम करते हैं, और जो हमारे पास प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको भी कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब हमारे पास जो एनिमल आते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एनिमल मेनली कितने टाइप के होंगे, एनिमल हमारे पास तीन टाइप के होंगे। फर्स्ट वन हमारे पास कौन से होंगे, फर्स्ट हमारे पास होते हैं हर्बीबोरस, दूसरे होते हैं हमारे पास कार्निबोरस, और चौथे होते हैं हमारे पास, सॉरी, पहले हर्बीबोरस, दूसरे कार्निबोरस, और तीसरे ओमनीबोरस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हर्बीबोरस हम किसको कहते हैं, यहाँ पर देखो, हर्बीबोरस। तो हर्बीबोरस हमारे पास वो वाले एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीबोरस। जैसे आपने डियर को देखा होगा, जैसे आपने हिरण को देखा होगा, वो क्या है, वो हर्बीबोरस है। जैसे आपने काऊ को देखा होगा, काऊ क्या होती है, वो भी हर्बीबोरस है। क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को खाती है, एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं खाती, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, हर्बीबोरस। दूसरे देखिए हमारे पास क्या है, कार्निबोरस, ठीक है। अब ये कार्निबोरस एनिमल कौन से होते हैं, तो कार्निबोरस एनिमल हमारे पास वो वाले एनिमल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट को कंज्यूम करते हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मीट को जो है कंज्यूम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कार्निबोरस। तीसरा हमारे पास आते हैं ओमनीबोरस। ओमनीबोरस हमारे पास वो वाले एनिमल्स होते हैं जो फूड को, जो हमारे पास जो है प्लांट प्रोडक्ट को भी कंज्यूम करेंगे, और जो जो हमारे पास एनिमल प्रोडक्ट है उसको भी कंज्यूम करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, ओमनीबोरस, ठीक है। तो आपको पता लग गया, हर्बीबोरस वो वाले एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ किसको कंज्यूम करेंगे, प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, क्या, कार्निबोरस मतलब जो मीट को कंज्यूम करेंगे, ओमनीबोरस मतलब जो मीट को भी और प्लांट्स को भी दोनों को कंज्यूम करेंगे। जैसे देखो कार्निबोरस, कार्निबोरस का एक एग्जांपल बताइए, जैसे लायन हमारे पास हो गया, तो शेर जो होता है वो हमारे पास जो प्लांट प्रोडक्ट है उसको नहीं खाता, वो दूसरा जो उसका शिकार होता है उसको खाता है, तो वो क्या है, कार्निबोरस है। ओमनीबोरस जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग जो है प्लांट प्रोडक्ट को भी खाता है, जैसे रोटी दाल इनको भी खाता है और मीट को भी खाता है, मतलब मीट भी खा रहा है, एनिमल प्रोडक्ट भी खा रहा है और प्लांट प्रोडक्ट भी खा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओमनीबोर्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए अब कुछ कीवर्ड्स आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, तो उन कीवर्ड्स को हम देखते हैं। पहला कीवर्ड क्या दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए कि इंग्रेडिएंट्स किसको कहते हैं, ऊपर मैंने आपको देखिए बताया था। इंग्रेडिएंट्स मतलब कोई भी हमारे पास डिश बनी हुई है उसके अंदर किन किन चीज़ों का हमने प्रयोग किया है उसको बनाने के लिए, मतलब किन किन चीज़ों का हमने यूज़ किया है उसको बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। दूसरा देखिए एडिबल, इसके बारे में आपको याद रखना, यहाँ देखिए एडिबल, एडिबल का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम खा सकते हैं उसको हम कहते हैं एडिबल, ठीक है। जैसे व्हीट हमारे पास है, एडिबल है, रोटी हमारे पास एडिबल है, चावल हमारे पास क्या है, एडिबल है, दाल हमारे पास एडिबल है, एग्स हमारे पास एडिबल है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम कंज्यूम करेंगे उसको हम कहते हैं एडिबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्टर, तो नेक्टर तो मैंने आपको बता दिया, देखो जैसे जो फ्लावर होता है तो फ्लावर का जो बेस होता है, यहाँ पर एक डिस्क होती है जिसके अंदर की क्या होता है, जूस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, नेक्टर, इस डिस्क को हम क्या कहते हैं, नेक्टर, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं स्प्राउटेड सीड्स, इसके बारे में तो आपको पता है, ये आप क्लास फिफ्थ के अंदर भी पढ़ सकते हो। स्प्राउटेड सीड मतलब ऐसे कुछ हमारे पास बीज जिसमें छोटी सी जो है ऊपर कली निकली हो, ठीक है, कोंपल निकली हो, ठीक है, जिनको कि हम अंकुरित बीज भी कहते हैं, ठीक है। चने में आपने देखा होगा कि जो हरी सी कोंपल निकली रहती है, तो ऐसे बीजों को हम क्या कहते हैं, स्प्राउटेड सीड्स, जिनमें छोटी सी जो है कोंपल निकली हो उनको क्या कहते हैं, स्प्राउटेड सीड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास हर्बीबोर्स, तो मैंने आपको बता दिया हर्बीबोर्स मतलब वो वाले एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे, प्लांट प्रोडक्ट को खाएंगे, उनको हम कहेंगे हर्बीबोरस। दूसरे आए कार्निबोरस, कार्निबोरस का मतलब वो वाले एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाएंगे, जैसे लायन हो गया उसको हम क्या कहेंगे, कार्निबोरस।
तीसरा हमारे पास आ गया ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब, ओमनीवोर मतलब वो वाले एनिमल जो मीट को भी कंज्यूम करेंगे एंड जो प्लांट प्रोडक्ट को भी कंज्यूम करेंगे, उनको कहेंगे ओमनीवोर्स। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। जो आपके क्वेश्चन आंसर है उनको हम यहाँ पर देखिए डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड सेम काइंड ऑफ फूड। जितने भी हमारे पास लिविंग बींग्स होते हैं क्या उनको एक ही टाइप के फूड की जरूरत होती है? अभी मैंने आपको बताया, क्या एनिमल एक जैसे फूड को कंज्यूम करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ कार्निवोर है, कुछ हमारे पास ओमनीवोर है, कुछ हमारे पास हर्बीवोर है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे के सारे एनिमल जो है एक जैसा फूड कंज्यूम करते हैं? तो मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हम नो लिखेंगे, क्योंकि सारे के सारे एनिमल एक जैसे फूड को कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, देखिए नो, नो के बाद आपने कॉमा लगाना है। ठीक है, नो नो ऑल लिविंग बींग्स डोंट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। ठीक है, ये तो हमने कह दिया नो। अब ये भी बताना पड़ेगा क्यों, ऐसा क्यों? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, बिकॉज सम एनिमल्स आर हर्बीवोर, क्योंकि कुछ एनिमल यार हर्बीवोर होते हैं, सम एनिमल्स आर कार्निवोर, कुछ एनिमल कार्निवोर होते हैं, एंड सम एनिमल्स आर ओमनीवोर। ठीक है, बोलने का मतलब यह है कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे लिविंग बींग को एक जैसे फूड की जरूरत होती है। ठीक है, तो यह हमने यहाँ नो लिखा। अब आते हैं सेकंड चैप्टर, सेकंड के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपकी बुक में, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, नेम फाइव प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लांट का जो सोर्स थे वो अभी हमने देख लिए थे, अब हमने पांच प्लांट्स बताने हैं और उनके उस पार्ट को यहाँ पर लिखना है जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं। अब जैसे तो कोई प्लांट है, उस पूरे के पूरे प्लांट को तो हम कंज्यूम करते नहीं है, उसके सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट या एक से ज्यादा पार्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन पूरे प्लांट को कंज्यूम नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर प्लांट का नाम लिखना है और उसके बाद उसके पार्ट को नाम लिखना है जिसको कि हम खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट मैंने क्या लिखा, पोटैटो। ठीक है, तो पोटैटो की हम कौन सी जगह, कौन सा पार्ट खाते हैं हम? तो हम उसको खाते हैं राइजोम। क्या खाते हैं? राइजोम। ये राइजोम क्या होता है? ये जो है अंडरग्राउंड हमारे पास जो स्टेम होता है वो होता है। हालांकि जो स्टेम है इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, स्टेम रूट ये हम बाद में पढ़ेंगे, बस इतना याद रख लो जो पोटैटो होता है उसका हम क्या खाते हैं, उसका हम खाते हैं राइजोम। और ये राइजोम एक टाइप का हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम होता है, एक स्टेम ही होता है, कहाँ होता है, अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, दूसरा देखिए व्हीट, इसके बारे में तो आपको पता है, व्हीट का हम क्या खाते हैं, व्हीट के तो हम सीड्स खाते हैं। क्या जो प्लांट होता है क्या वो खाते हैं? नहीं खाते, जो सीड होता है उसको खाते हैं। तो हमने क्या लिखा, व्हीट का क्या खाएंगे, सीड खाएंगे। तीसरा देखिए क्या है, पैडी। पैडी हम किसको कहते हैं? पैडी कहते हैं चावल को। ठीक है, चावल का क्या कहते हैं, चावल के भी हम सीड खाएंगे। ठीक है, उसका प्लांट तो खाएंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एप्पल, एप्पल हो गया, पियर हो गया, पलम हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो गई, इनका हम क्या खाते हैं, इनका हम खाते हैं फ्रूट। क्या उसकी लकड़ी खाई जाती है? नहीं खाई जाती। क्या उसका फ्लावर खाया जाता है? नहीं खाया जाता। क्या खाते हैं एप्पल का? उसका हम फ्रूट खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैरेट। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कैरेट। कैरेट का हम क्या खाते हैं? कैरेट का हम जो है रूट्स खाते हैं, है ना। तो ये हमारे पास हो गए पांच ऐसे प्लांट्स और उसके बाद हमने उनके पार्ट्स भी लिख लिए जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। हालांकि जो हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं था तो इसलिए मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। तो जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है वो आते हैं हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, टाइगर इज अ ब्लैंक बिकॉज इट ईट ओनली मीट। टाइगर कैसा एनिमल है? टाइगर इज अ ब्लैंक, टाइगर क्या है? बिकॉज इट ईट ओनली मीट। अब देखिए जो ओनली मीट को कंज्यूम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है, कार्निवोर्स। कार्निवोर क्योंकि ये कार्निवोर है। कार्निवोर क्यों है? ये कार्निवोर क्यों है? ये कार्निवोर इसलिए है, कार्निवोर क्यों है आपको यहाँ पर क्या लिखना है, कार्निवोर। कार्निवोर इसलिए है क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है। दूसरा देखिए डियर, डियर मतलब जो हिरन होती है हमारे पास, ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डियर क्योंकि सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स। तो आपको ये लिखना है यहाँ पर, एच ई आर बी आई V-O-R-E-S, ठीक है, V-O-R-E-S, यहाँ पर आपका लिखेंगे herbivores, इसको लिखेंगे यहाँ पर herbivores, यहाँ पर सेकंड में आपको herbivores लिखना है। ठीक है, थर्ड देखिए हमारे पास क्या है, parrot eat only blank products, जो हमारे पास तोता होता है आपको याद रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाता है, मीट नहीं खाता है,
सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, द ब्लैंक दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज गॉट एंड एनिमल प्रोडक्ट द मिल्क, इसको हम क्या कहेंगे मिल्क, यहां पर आएगा मिल्क, ठीक है, क्योंकि जो एनिमल प्रोडक्ट है जो हमें मिलता है गॉट से, बफेलो से या काउ से, तो वो क्या होता है, वो होता है मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, वी गेट शुगर फ्रॉम ब्लैंक, शुगर हमें जो है कहां से मिलती है वो आपको यहां पर लिखना है, तो शुगर हमें मिलती है शुगर केन से, यहां पर हम लिखेंगे शुगर केन, ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे लास्ट में शुगर केन, ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे शुगर केन। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर जो आपके पास बुक है, अब आपके पास जो अगर बुक है तो आप इसको वहां पर टिक कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आप आइए, थर्ड क्वेश्चन यहां पर देखिए मैच द कॉलम आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर देखो कॉलम ए में देखिए क्या लिखा है, मिल्क कर्ड पनीर घी, जो हमारे पास मिल्क है कर्ड है पनीर है घी है, ये क्या है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट में, अब यहां पर इसको कहां पर हम इसको हमने कहां पर इसको जो है जोड़ना है, तो लास्ट देखिए मिल्क कर्ड पनीर घी, इसको हम जोड़ेंगे लास्ट वाले के साथ, कॉलम बी में लास्ट देखिए ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे देखिए मिल्क हो गया कर्ड हो गया पनीर हो गया घी हो गया, ये क्या है एनिमल प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसको किसके साथ जोड़ेंगे एनिमल प्रोडक्ट के साथ जोड़ेंगे। दूसरा देखिए क्या है, स्पाइनेक काउलीफ्लावर कैरेट, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है ऑल वेजिटेबल्स, ठीक है, आर वेजिटेबल्स, मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कॉलम बी में जो थर्ड दिया है ना आर वेजिटेबल, ठीक है, तो इसको इसके साथ जोड़ना है हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या आता है, लायंस एंड टाइगर्स, जो लायन और टाइगर होते हैं इसको किसके साथ जोड़ना है, कॉलम बी में देखिए लायन एंड टाइगर, ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, ईट अदर एनिमल, जो लाइन और टाइगर होते हैं वो ईट अदर एनिमल मतलब दूसरे एनिमल को खाते हैं, तो लाइन और टाइगर को हमने जोड़ना है कॉलम नंबर बी में फर्स्ट के साथ ईट अदर एनिमल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स क्या करते हैं, ऑल आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, सॉरी हर्बीवोर्स ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, ये सेकंड जो हमारे पास हर्बीवोर्स है उसको हमने किसके साथ जोड़ना है, कॉलम बी में जो सेकंड दिया हुआ है इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे, मतलब ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जिसके के इसके अंदर हमने पूरे के पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया, क्लास 6th एनसीईआरटी। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।